तो एक माँ अपने बेटे के साथ हनीमून पर जाती है, बट क्यों? और इस मूवी का नाम भी है हनीमून विद माय मदर, और फिर भी ये मूवी 18 प्लस नहीं है, क्यों? और तो और, इस मूवी के नाम को सुनकर तो आप बिल्कुल भी ऐसा मत सोचना कि इस मूवी में कुछ ना कुछ गड़बड़ है, क्योंकि ऐसा कुछ भी इस मूवी में नहीं है। तो चलो इस मूवी की कहानी जानते हैं कि इस मूवी में ऐसा होता क्या है और इस मूवी का नाम ऐसा पड़ा क्यों है। तो मूवी की शुरुआत में हम लुइस और उसकी पार्टनर टेरेसा को देख पाते हैं, और यहाँ पे लुइस और टेरेसा शादी करने वाले होते हैं, और यहाँ पे अचानक से टेरेसा का एक्स बॉयफ्रेंड आ जाता है जो कि टेरेसा को बुलाता है और यहाँ से लेकर भाग जाता है, और टेरेसा भी खुशी खुशी अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ ही अपनी शादी से ही भाग जाती है, और हमारा बेचारा लुइस मुंह लटका कर खड़ा देखता ही रह जाता है। तो यहाँ पर लुइस की पार्टनर जो थी यानी टेरेसा, वो तो अपने एक्स बॉयफ्रेंड के साथ भाग चुकी होती है, बट सारा बिल यहाँ पे पड़ता है लुइस के ऊपर, क्योंकि लुइस ने इस शादी के लिए काफ़ी सारी अरेंजमेंट्स की होती हैं, मतलब ये सारी बुकिंग वगैरह, सारी शादी की तैयारी वगैरह सब कुछ लुइस ने ही की होती है। तो टेरेसा के यहाँ से भाग जाने के बाद लुइस ये सारी पेमेंट्स वगैरह करता है, बट उसके बाद उसने एक हनीमून पैकेज ही बुक कर रखा था जो कि और भी ज़्यादा महंगा था, काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव था। उसने मॉरिशियस में अपने और टेरेसा के लिए एक हनीमून पैकेज बुक कर रखा था। तो ये पैकेज काफ़ी ज़्यादा महंगा होने के कारण लुइस अपने मॉम के साथ उस हनीमून वाले ऑफिस में जाते हैं जहाँ से उन्होंने पैकेज बुक करा था, और वहाँ जाकर वो उसका रिफंड लेना चाहते थे, मतलब अपने पैसे वापस लेना चाहते थे, क्योंकि लुइस की पार्टनर तो अब भाग चुकी होती है। तो अब लुइस जाए किसके साथ? तो इसी वजह से लुइस अपना पैसा रिफंड करना चाहता था, उस टिकट के पैसे, उस पैकेज के पैसे वापस देना चाहता था, बट वहाँ पर हनीमून ऑफिस वाले उसे बताते हैं कि वो रिफंड नहीं कर सकते, वो उनके पॉलिसी में है कि वो ऐसे रिफंड नहीं कर सकते, उन्हें किसी न किसी के साथ जाना ही पड़ेगा। और यहाँ पे लुइस की मॉम भी काफ़ी ज़्यादा ट्राई करती है कि वो उन पैसों को रिफ़ंड करवा सके, बट वो भी नहीं करवा पाती। बट हनीमून ऑफिस वाले लुइस की मॉम को ये बताते हैं कि क्यों ना आप अपने बेटे के साथ ही हनीमून पर चली जाओ, क्योंकि मॉरिशियस काफ़ी ज़्यादा अच्छी और खूबसूरत जगह है, और ये एक काफ़ी ज़्यादा लग्जरी स्वीट है, लग्जरी ट्रिप है जहाँ पर आप काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करोगे, तो क्यों ना आप अपने बेटे के साथ ही चले जाओ। और ये बात सुनने के बाद लुइस की मॉम इस पर काफ़ी ज़्यादा सोचती है, वो इस बात पर मान भी जाती है, और वो ये बात अपने पति और अपने बेटे को बताती है, मतलब लुइस को बताती है, और वो लुइस से कहती है यानी अपने बेटे से कहती है कि चलो हम दोनों हनीमून पर चलते हैं और ट्रिप को एंजॉय करते हैं, एज अ माँ बेटा हम इस ट्रिप को एंजॉय करेंगे। और ऑब्वियसली ये बात सुनने के बाद किसी को भी अजीब लगेगा, मतलब किसी बेटे को भी अजीब लगेगा, और लुइस भी ऑब्वियसली इस बात पर मना कर देता है कि कैसे एक माँ और बेटा दोनों, मतलब हम दोनों कैसे जा सकते हैं ऐसे हनीमून के ट्रिप पर, हम कैसे ही जा सकते हैं, और वो तो मना ही कर देता है। देन लुइस अपने लड़की दोस्तों और अपने लड़की कलीग्स के पास जाकर ये बात बताता है कि मेरे पास हनीमून की दो टिकटें हैं, तो क्या तुम मेरे साथ हनीमून पर चलोगी, ये एक लग्जरी हनीमून होने वाला है, तो क्या तुम मेरे साथ हनीमून ट्रिप पर चलोगी? और ऑब्वियसली ये बात सुनने के बाद कोई भी उसे मना कर देगा, तो हर लड़की लुइस को मना कर देती है। देन लुइस अपने डैड के साथ बात करता है, जहाँ पर हमें ये बात पता चलती है कि लुइस के डैड लुइस की मॉम को कभी भी हनीमून ट्रिप पर नहीं ले जा पाए हैं, मतलब लुइस के डैड अपने काम पर काफ़ी ज़्यादा बिजी रहा करते हैं, और वो पेंटिंग वगैरह करते हैं और काफ़ी ज़्यादा बिजी रहते हैं, इसी वजह से वो लुइस की मॉम को कभी भी ऐसी ट्रिप पर या हनीमून ट्रिप पर कहीं पर भी नहीं ले जा पाए हैं। देन लुइस भी सोचता है कि क्यों ना अपने मॉम की एक ख्वाहिश पूरी कर लिया जाए, कि अपने मॉम को पहली बार हनीमून ट्रिप पर लेके जाए। देन लुइस अपने मॉम के साथ हनीमून ट्रिप पर जाने के लिए मान जाता है। देन वो दूसरे दिन हनीमून ट्रिप पर निकल जाते हैं, मतलब मॉरिशियस पहुंचते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत जगह थी, और लुइस की मॉम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मज़े कर रही थी, बट दूसरी तरफ लुइस बिल्कुल भी इंजॉय नहीं कर रहा था, क्योंकि लुइस अब भी ये सोच रहा था कि शायद उसकी पार्टनर जो कि भाग चुकी है, मतलब टेरेसा जो कि भाग चुकी है, वो शायद फिर से लुइस को कॉल करेगी और अपोलोजाइज करके, मतलब माफ़ी वगैरह मांग के फिर से लुइस के पास वापस आ जाएगी, बट ऑब्वियसली ऐसा कुछ भी नहीं होता। हालांकि लुइस काफ़ी ज़्यादा ट्राई करता है टेरेसा को कॉल करने की, और वो टेरेसा को कॉल करता है, बट टेरेसा तो फ़ोन ही नहीं उठाती। बट कहानी यहाँ पर ख़त्म नहीं होती, क्योंकि कहानी यहाँ से तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। तो यहाँ पे एक टूर गाइड होती है, मतलब जो लोग टूरिस्ट वगैरह को टूर कराते हैं, मतलब घुमाते फिराते हैं, चीज़ों को दिखाते हैं, जगह को दिखाते हैं, घुमाते हैं, तो वैसे ही यहाँ पे एक टूर गाइड होती है जो कि एक लड़की होती है, और लुइस इस लड़की के प्यार में यानी इस टूर गाइड के प्यार में पड़ जाता है। और दूसरी तरफ
हम लुइस की मॉम को देख पाते हैं जिसके पीछे एक आदमी पड़ चुका होता है। एक आदमी जो कि लुइस की मॉम के साथ दोस्ती वगैरह करना चाहता था और दोस्ती बढ़ा रहा था। तो एक तरफ लुइस की मॉम अपने नए दोस्त के साथ खुश थी, अनजान दोस्त के साथ, और यहाँ पर दूसरी तरफ लुइस उस क्रू गाइड के साथ खुश था, मतलब उस क्रू गाइड के साथ टाइम स्पेंड करने में खुश था। बट जब लुइस को ये बात पता चलती है कि लुइस की मॉम किसी अनजान आदमी के साथ घूम रही है, किसी अनजान आदमी के साथ टाइम स्पेंड वगैरह कर रही है, तब लुइस को ये बात पसंद नहीं आती। इसी वजह से लुइस अपने मॉम के पास जाकर उनसे कहती है कि आप इस आदमी के साथ ना घूमो, इस अनजान आदमी के साथ ना घूमो, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है ये आदमी। बट लुइस की मॉम कुछ भी नहीं सुनती और वो उसी आदमी के साथ दोबारा घूमने के लिए चली जाती है। और एक दिन वो अनजान आदमी लुइस की मॉम को नशे करा देता है, जिसके बाद लुइस की मॉम नशे की हालत में लुइस के पास वापस लौटती है और लुइस ये सब देखकर काफी ज्यादा हैरान रह जाता है, क्योंकि लुइस की मॉम नशे वगैरह उतना नहीं करती थी। और वो नशे की हालत में ही लुइस से कहती है कि तुम कितने बोरिंग हो लुइस, और तुम्हारे डैड भी कितने बोरिंग हैं, और तुम्हारे बोरियत के कारण ही तुम्हें टेरेसा छोड़कर गई है। और ये सब सुनने के बाद लुइस काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो जाता है। मतलब लुइस को भी अब ये लगने लगा था कि शायद वो खुद ही इतना बोरिंग है, इसी वजह से कोई भी लड़की उसे उतना भाव नहीं देती, और उसी वजह से शायद टेरेसा भी उसे छोड़कर चली गई है। और दूसरे दिन ये इसे पॉजिटिव वे में लेता है, मतलब अच्छे वे में लेता है, और इसी वजह से वो दूसरे दिन अपने मॉम को कहता है कि चलो मॉम, हम मैं आपके साथ घूमने जाऊँगा, और अब आपको किसी और के साथ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ घूमूंगा, मैं आपके साथ मज़े करूँगा इस ट्रिप में। और ये बात सुन के लुइस मॉम काफी ज्यादा खुश हो जाती है कि शायद अब उसके बेटे का मूड अब ठीक हो रहा है और वो भी एंजॉय करने लगा है। बट बीच में फिर से लुइस अपने मॉम को अकेला कर देता है। तो लुइस तो यहाँ पर उसी लड़की के पीछे चला जाता है जिस लड़की को उसने पसंद कर लिया था, यानी उस क्रू गाइड के पीछे, और दूसरी तरफ वो अपनी मॉम को अकेला छोड़ देता है। तो इस अकेलेपन में उसकी मॉम करे भी क्या, तो उसकी मॉम फिर से उसी अनजान आदमी के साथ टाइम स्पेंड करने लग जाती है। फिर लुइस जब उस लड़की के साथ टाइम स्पेंड करके वापस आता है तो वो अपनी मॉम को उसी अनजान आदमी के साथ बैठा हुआ पाता है, जिससे वो काफी ज्यादा नाराज था। फिर वो उसी वक्त अपनी मॉम के पास जाता है और उस अनजान आदमी के बारे में भला बुरा कहने लग जाता है, मतलब कि ये आदमी बुरा है मॉम, इस आदमी के साथ अब टाइम स्पेंड मत करो, शायद ये आदमी आपको चीट कर रहा हो सकता है, ये आदमी सही नहीं लग रहा। और ये सब सुनने के बाद लुइस की मॉम लुइस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करती है और वो कहती है कि तुम तो बोरिंग हो ही, तुम्हारे पापा भी बोरिंग हैं, और तुम्हारे बोरियत के कारण ही टेरेसा तुम्हें छोड़कर चली गई, और तुम तो मेरे साथ टाइम स्पेंड करते नहीं हो, तो ऐसे टाइम पर कोई अनजान आदमी अगर मेरे साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहा है और मुझे अच्छे से ट्रीट कर रहा है तो उसमें बुरा क्या है। तो ये सब कहकर वो लुइस को एक थप्पड़ मार देती है और वहाँ से चली जाती है। और यहाँ पर लुइस की जो नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी, जो क्रू गाइड वाली लड़की थी, जो नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी, उसे भी ये बात पता चल जाती है कि लुइस की शादी होने वाली थी और उस शादी में टेरेसा भाग गई थी, और ये बात लुइस ने अपनी नई गर्लफ्रेंड को नहीं बताया था। तो इसी वजह से लुइस की ये नई गर्लफ्रेंड भी गुस्सा हो जाती है और यहाँ से लुइस को छोड़कर चली जाती है। और इस वजह से लुइस अब काफ़ी ज़्यादा अपसेट हो गया था, क्योंकि उसकी मॉम भी उससे नाराज़ हो गई थी और दूसरी तरफ वो लड़की भी जो नई नई गर्लफ्रेंड बनी थी वो भी उससे नाराज़ होकर यहाँ से चली जाती है। और फिर क्या था, दूसरा दिन होता है और ये आखिरी दिन होता है के ट्रिप का। तो सुबह होते ही वो अपने नए गर्लफ्रेंड के पास चला जाता है, मतलब जो अभी भी यहाँ पर नई गर्लफ्रेंड बनी थी उसके पास चला जाता है, और उससे वो कन्फेस करने लगता है कि हाँ, मैंने तुमसे झूठ बोला, मैंने तुमसे बातें छिपाई कि मेरे शादी में ऐसा कुछ हुआ था, मैंने ये सब कुछ नहीं बताया था, बट मैं इसके लिए माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दो और प्लीज़ मेरे साथ आ जाओ। और ये सब कहने के बाद लुइस इस लड़की के साथ इसी आइलैंड पर रह जाना चाहता था, मतलब मॉरिशियस में लुइस इस लड़की के साथ ही अब टाइम स्पेंड करना चाहता था, मतलब अपनी पूरी लाइफ अब यहीं बिताना चाहता था। बट ये लड़की मना कर देती है, ये लड़की कहती है कि नहीं, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ, मैं शादी वगैरह करना नहीं चाहती, या फिर मैं तुम्हारे साथ पूरी लाइफ स्पेंड करना नहीं चाहती, तुम गलत लड़की के पास आए हो लुइस। और ये सब कहने के बाद वो लड़की लुइस को समझाती है कि तुम किसी और लड़की के लिए बने हो, तुम मेरे लिए नहीं बने लुइस। और ये सब सुनने के बाद लुइस उस लड़की को किस करता है और वो भी समझ चुका था कि हाँ, ये लड़की उसके लिए नहीं बनी। और इसके बाद लुइस यहाँ से चला जाता है अपने मॉम के पास, अपने मॉम से माफ़ी मांगने, क्योंकि उसने अपने मॉम को भी नाराज़ कर दिया था। तो वो अपने मॉम को ढूंढता है बट उसकी मॉम नहीं मिल रही थी। फिर पता चलता है कि उसकी मॉम उसी अनजान आदमी के साथ कहीं बाहर गई है। तो फिर वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए भागा भागा जाता है और फिर वो अपनी मॉम को एक वेडिंग सेरेमनी पर देखता है उसी अनजान आदमी के साथ, और देखने में ऐसा लग रहा था कि उसकी मॉम उस अनजान आदमी से शादी करने वाली है। और फिर क्या था, लुइस भाग कर जाता है अपनी मॉम के पास और वो कहता है कि मॉम, आप ऐसा मत करो, इस अनजान आदमी के साथ शादी करने की कोई ज़रूरत नहीं है मॉम, आप ऐसा नहीं कर सकते। तो बट यहाँ पर बात ये
ये थी कि यहाँ पर लुईस की मॉम उस अनजान आदमी से शादी नहीं कर रही थी, बल्कि यहाँ पर वो अनजान आदमी और लुईस की मॉम किसी और कपल की शादी करा रहे थे। तो ये जानने के बाद लुईस चैन की सांस लेता है और अपनी मॉम से माफ़ी मांगता है, और वो कहता है कि मुझे माफ़ कर दो मॉम, मैंने ये सब गलत गलत चीज़ें आपसे कही, मैंने आपको आपका दिल दुखाया है, और मैं अब से आपको काफ़ी ज़्यादा खुश रखूँगा और आपको घुमाने वगैरह भी ले जाऊँगा। तो ये सब सुनने के बाद लुईस की मॉम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है, बट यहाँ पर हमें एक शॉकिंग बात पता चलती है। हमें उस अनजान आदमी के बारे में ये बात पता चलती है कि वो अनजान आदमी एक स्मगलर है, और वो यहाँ पे जो आने वाले टूरिस्ट होते हैं उनके बैग में ड्रग्स रखकर स्मगल करता है, मतलब उनके उनके सामान के ज़रिए वो ड्रग्स को स्मगल कर रहा था। और ये बात लुईस की मॉम को पहले से ही पता चल गई थी, बट लुईस की मॉम फिर भी इस आदमी के साथ टाइम स्पेंड कर रही थी। बट क्यों? क्योंकि बात ये थी कि लुईस को एक दोस्त चाहिए था जिसके साथ वो टाइम स्पेंड कर पाए और इस टूर में मज़े कर पाए, इस टूर को इंजॉय कर पाए, जो कि लुईस के साथ करना था। बट लुईस तो किसी और लड़की के पीछे पड़ा था, इसी वजह से लुईस की मॉम को किसी और अनजान आदमी का सहारा लेना पड़ा, और इसी वजह से ये जानते हुए भी कि यह अनजान आदमी एक स्मगलर है, तब भी लुईस की मॉम इसी अनजान आदमी के साथ ही टाइम स्पेंड कर रही थी। बट यहाँ पर जब ये रिवील होता है कि यह अनजान आदमी एक स्मगलर है, तब इस आदमी को पकड़ लिया जाता है और यहाँ पर एक हैप्पी एंडिंग तो हो ही जाती है, बट एक और हैप्पी एंडिंग तो भी बाकी है। तो ये दोनों यानी लुईस और लुईस के मॉम जब अपने ट्रिप से वापस आ जाते हैं अपने घर, फिर यहाँ पर लुईस के पापा पहले से ही तैयार खड़े थे दो टिकट लेकर, यानी पेरिस की दो हनीमून टिकट लेकर यहाँ पर तैयार थे, क्योंकि अब लुईस के पापा को भी ये रियलाइज़ हो गया था कि वो अपने काम में थोड़े ज़्यादा ही बिजी रहते हैं और उन्हें अपने काम से फ्री होकर अपने वाइफ को थोड़ा टाइम देना चाहिए और उसे घूमने के लिए ले जाना चाहिए। और वो अपनी पत्नी को कभी हनीमून ट्रिप पर नहीं ले गए हैं, इसी वजह से वो पहली बार अपने वाइफ को पेरिस में हनीमून ट्रिप के लिए ले जाना चाहता था और उसने दो टिकट ले भी लिया था। तो लुईस और लुईस के मॉम जब घर पहुंचते हैं तब उसके पापा पहले से ही रेडी होते हैं दो टिकट के साथ, और वो लुईस की मॉम को लेकर अभी ही निकल जाते हैं पेरिस के लिए, मतलब अभी अभी तो वो जस्ट आए थे और अभी अभी वो निकल ही जाते हैं। और इस चीज़ से लुईस की मॉम अब काफ़ी ज़्यादा खुश हो गई थी कि उसके पति भी अब सुधर गए हैं, मतलब उन्हें टाइम देने लग गए हैं और अब तो वो पेरिस जा रहे हैं घूमने के लिए। तो यहाँ पर एक और हैप्पी एंडिंग हो जाती है, मतलब पूरी फैमिली खुश हो जाती है। बट यहाँ पर अब भी हमारा लुईस अकेला रह जाता है, बट होना हो वो किसी न किसी को तो ढूंढ ही लेगा। तो ऐसे ही खत्म होती है हमारी ये मूवी हनीमून विद माय मदर। तो अगर आपकी ये स्टोरी और ये वीडियो जरा से भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और हम बहुत ही क्लोज है 100 सब्सक्राइबर्स के, बस 8 सब्सक्राइबर्स ही चाहिए। तो प्लीज़ जो कोई भी एंड तक देख रहा है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, और मैं ऐसे ही मज़ेदार मूवी की स्टोरीज़ और वेब सीरीज़ वगैरह की वीडियो लाता रहूँगा। तो वो सब देखने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ज़रूरी है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।